नगर निगम की नई टीम से भाजपा को ही नहीं दिल्ली वासी को भी काफी उम्मीद अभी से नजर आने लगी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदले जाने के बाद भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा देखी जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम हाउस लीडर के रूप में एक कानूनी जानकार को जहां जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं योगेश वर्मा को डीडीए सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया है, जिन्होंने पदभार ग्रहण के साथ निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में सक्रिय हो उठे हैं। छात्र नेता से निगम पार्षद, स्थायी समिति अध्यक्ष के बाद मेयर बनाए गए जयप्रकाश के अनुभव का फायदा भी निगम की छवि सुधारने में सहायक होगा। इस टीम में एक मनोनीत निगम पार्षद को जोन में डिप्टी चेयरमैन बनाने के बाद उत्तरी दिल्ली स्थायी समिति का उपाध्यक्ष बनाकर एक नए परंपरा की शुरुआत भाजपा नेतृत्व ने किया है। विजेंद्र यादव की लोकप्रियता, कर्मठता, संगठन शक्ति का फायदा भी भाजपा को मिलेगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जोन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में 6 में से 5 जोन में भाजपा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुने गए। वहीं शहरी सदर पहाड़गंज जोन पर आप पार्टी कब्जा करने में कामयाब रही। देखें डीआईडी न्यूज की कुछ तस्वीरें जो इस नई टीम की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।